हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं शॉर्टकट फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, जब आप कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 5 to 6 मिनट्स चले जाते हैं। ओके, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर रहे हैं, लाइक आप अगर CET दे रहे हैं या फिर JEE दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास बहुत ही कम समय रहता है क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ शॉर्टकट्स मेथड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है, तो वो हम देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो शॉर्टकट मेथड है वो आप बोर्ड एग्ज़ाम में यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ ये आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूज़ करेंगे। अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ आपको, उसे हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ f(x) इज़ द कंटिन्यूस एट x0 हु वेयर फंक्शन इज साइन 4x बाय 3x फॉर x नॉट इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ f(x) इज़ क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जब एक बार आपको ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये मेथड हम कैसे यूज़ कर पाएंगे, तब आप उस पर टाइम पे फोकस करिएगा। आप बाद में उस पर टाइम को कैसे कम करेंगे वो आप उसे फोकस करिएगा। एक बार आपको ये टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसका, तो आप बहुत ही कम समय में विद इन 30 सेकेंड में ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जहाँ पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5 to 6 मिनट लगेंगे, आप ये क्वेश्चन को 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखिए स्टूडेंट, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास लिमिट की प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वैसे ही एक प्रॉपर्टी हमें याद यूज़ करना है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। तो हमें पता है कि कोई भी फंक्शन जब कंटिन्यूस होता है, इसका मतलब f(x) इज इक्वल्स टू व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू a f(x). कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, f(x) a इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a f(x). ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, f(0) का वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब हमारा जो पॉइंट है वो a है। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए स्टूडेंट, f(0) को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x). फंक्शन क्या है हमारा यहाँ पर, दिस साइन 4x बाय 3x। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक लिमिट को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड है। ये मेथड आप जब हायर स्टडी करने के लिए जाओगे, इंजीनियरिंग वगैरह, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, मेथड का नाम है L-Hospital रूल, L-Hospital's रूल। ठीक है, देखिए ये स्टूडेंट्स, ये मेथड यूज़ करते हैं हम लिमिट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अभी ये इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। देखिए सुन से, L-Hospital रूल का शॉर्ट मेथड हमने दूसरे वीडियो में भी बनाया हुआ है, जिसपे मैंने एग्जांपल्स लिए हुए हैं। तो अगर आपको और भी कॉन्सेप्ट और भी एग्जांपल देखना है तो वो वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो अभी ये L-Hospital रूल क्या होता है और कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर L-Hospital रूल क्या बोलता है, किसी भी फंक्शन का लिमिट आपको जब फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो आप L-Hospital रूल कब यूज़ कर सकते हैं पहले वो सुनिए। जब हमने डायरेक्टली लिमिट में डायरेक्ट मेथड यूज़ किया, मतलब लिमिट में x का जो वैल्यू है पुट किया, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, साइन 0, x की यहाँ पे हमने 0 पुट किया, साइन 0 का वैल्यू 0, 0 इंटू 3 0। ठीक है, जब आपको 0/0 आता है तब आप वो लिमिट के लिए L-Hospital रूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी इसमें करना क्या होता है, हम करते हैं जो न्यूमरेटर है उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। न्यूमरेटर मतलब साइन 4x का जब आप डेरिवेटिव निकालोगे, तो हमें पता है कि साइन 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, चैन रूल अप्लाई करेंगे, साइन x का डेरिवेटिव होता है कॉस x, तो यहाँ पर हमने साइन 4x को कॉस x लिख दिया। लेकिन अभी 4x का डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4। तो यहाँ पर हमने पहले क्या किया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकाला, उसे न्यूमरेटर में लिख दिया। अभी हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालेंगे, उसे हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ठीक है, ये किसका रूल है, L-Hospital रूल है। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी डेरिवेटिव निकालने के बाद हम लिमिट पुट कर देंगे कहाँ पर, x की जगह पर, तो यहाँ पर cos 4 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, इंटू 4/3। अभी हमें पता है कि cos
जीरो का वैल्यू क्या होता है, कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, वन इंटू फोर बाई थ्री मतलब 4/3। तो ये एफ ऑफ ज़ीरो क्या मिल गया एट अ गिवन पॉइंट, 4/3। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप इसे लिमिट से सॉल्व करने जाएंगे तो ज़्यादा टाइम कम लग जाएगा, अगर आप इसे एल हॉस्पिटल रूल निकालेंगे तो आपको विद इन अ 30 सेकेंड आप ये एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट क्या दिया, इफ़ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस लॉग 3 बाय एक्स माइनस 3 एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 3 एंड इज इक्वल्स टू के एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है और हमें बोला है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। जब फंक्शन कंटिन्यूस है इसका मतलब क्या है कि हमारा एफ ऑफ 3 का वैल्यू होगा इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 एट गिवन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ 3 का वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि के है एंड यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है दिस। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 3। देखिए स्टूडेंट, ये मैं आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर करा रहा हूँ। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया तो आप बहुत ही कम समय में इसको कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले आप इस चीज़ का जो भी शॉर्टकट मेथड्स है आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आप बाद में उसके बाद आप फोकस करिए कि मेरा स्पीड कैसे बढ़े। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे अपने आप आपका स्पीड बढ़ेगा और बहुत ही कम समय में आप करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए मुझे इसका लिमिट फाइंड आउट करना है, अभी हम इसका लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर यहाँ पर हमने एल हॉप्स हॉस्पिटल रूल यूज़ कर लिया, ठीक है, तो बहुत ही कम समय में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल क्या बोलता है कि लिमिट ये जो न्यूमरेटर है आप उसका डेरिवेटिव निकालिए और उसे न्यूमरेटर में लिख दीजिए। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, लॉग 3 क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेरिवेटिव निकाल दिया है। देखिए अभी हमें क्या करना है, लिमिट पुट करना है, एक्स के पे हम 3 पुट कर देंगे तो देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर के देखिए आपको क्या मिल गया 1/3। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये बहुत ही कम टाइम में कर लेंगे, यहाँ पर हमने 2 मिनट में सॉल्व किया हुआ है। आप इसे विद इन 30 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अपेयर करते हैं तो आपको ये सारे स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं होती है, ये सब आपको मैन्युअली करना है। जब आपने न्यूमेटर का डेरिवेटिव निकाला 1/x के आलू, उसमें लिमिट पुट कर दिया 3, तो डायरेक्टली आपको विद इन 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा। अगर सिंपल क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, फिर भी आप उसे विद इन 30 सेकेंड में आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको एग्जांपल लेके उसको सॉल्व करके दिखाया, आप और भी एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं बेस्ड ऑन एल हॉस्पिटल रूल। आपको ध्यान रखना है एल हॉस्पिटल रूल आप कब यूज़ करेंगे, जब कोई भी फंक्शन दिया हुआ उसमें आपने लिमिट पुट किया, अगर आपका आंसर 0/0 आ जाता है वहाँ पर आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम क्वेश्चन में कंटिन्यूटी के आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके लिमिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आज के लिए वीडियो में हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। वो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको और भी एग्जांपल्स क्वेश्चंस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने और भी क्वेश्चंस सॉल्व किया हुआ जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं वीडियो को। स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ इशू है या फिर आपका कुछ सजेशन है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियो के एंड में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो पे ज़रूर कमेंट करिए और मुझे बताइए कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। और एंड में वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको ये मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।